बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपका एडमिशन कैसे होगा और लिस्ट में नाम कैसे आएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उन छात्रों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यूजर हैं पल पल की बिहार बोर्ड की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी अपडेट भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग मेरिट लिस्ट मतलब डाउनलोड नहीं किए हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल जो है चालू हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे कि बिहार बोर्ड इंटर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम नहीं आया है उनको कैसे आगे क्या करना होगा कि उनका एडमिशन हो जाए और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो बिहार बोर्ड 11th में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। इसके साथ ही कॉलेजों और स्कूलों के एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य के 3629 से अधिक 11th स्कूल और कॉलेजों में 1700000 से अधिक सीटों पर में एडमिशन लिया जा रहा है। एडमिशन का लास्ट डेट जो है 24 अगस्त तक रखा गया है। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि इंटर एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करना होगा, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यदि अगर आप अभी तक, मैं एक सेकंड का ब्रेक लूंगा, यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। बिहार बोर्ड के सभी छात्र, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बिहार बोर्ड की पल पल के अपडेट पाने के लिए। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में नहीं है वह 18 से 24 अगस्त तक 2021 का नया विकल्प भर सकते हैं। जी हाँ, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो 18 से 24 तारीख तक यानी 24 तारीख तक आप लोग जो हैं एक नया विकल्प भर सकते हैं 2021 वाला। ठीक है, इसमें छात्र छात्राओं नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं, यानी नए कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव करने के लिए न्यूनतम स्कूल व कॉलेज की संख्या 10 होनी चाहिए और अधिकतम 20 विकल्प भर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स को बता दूं मैं कि इस विकल्प को भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही मेरिट लिस्ट जो आपने भरा था, ऑनलाइन किया था, उसमें आप लोगों का पैसा दिया गया है तो आपका दूसरा में कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसमें बताया गया है कि इन्हीं विकल्पों के आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 24 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है जो 2021 का नया विकल्प भरना होगा, तभी जाकर आपका दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके आधार पर आप लोग जो है एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, और कोई शुल्क आप लोगों का नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है। यदि दोस्तों इंटर एडमिशन एडिट करना चाहते हैं, इंटर एडमिशन में किसी भी तरह का एप्लीकेशन में गलती हुआ है और एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। जो आपने आवेदन किया था एप्लीकेशन तो उसमें आप लोगों को पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर दीजिए और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म खुल जाएगा, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका एडिट हो जाएगा। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके चले जाइएगा। ठीक है, आप आसानी से इस पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा वापस कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको वापस करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी दोस्तों, लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर आसानी से आप मतलब जाकर एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, किसी भी तरह का अगर गलती हुआ है तो। ठीक, और दोस्तों आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों, बिहार बोर्ड के मेरिट लिस्ट में अगर स्टूडेंट्स आवंटित स्कूल से खुश नहीं हैं तो, जैसे कि जो स्कूल आपने चुना है अगर उस स्कूल से आप लोग खुश नहीं हो तो आप स्लाइड अप से कॉलेज बदल सकते हैं। जी हाँ, स्लाइड अप से कॉलेज बदल सकते हैं, इसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो आप स्कूल मतलब स्कूल से खुश नहीं हो तो आप बदल सकते हो, स्कूल कॉलेज का चयन दूसरा कर सकते हो, उसके लिए स्लाइड अप का इस्तेमाल करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसका डेट 24 अगस्त तक रखा गया है। आप उसके लिए अगर चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप नीचे मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स, और यार वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल पर न्यूज सब्सक्राइब करवाने वाले पूरी जानकारी इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।